हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवमेंट इन ऑल। मैं हूं आपके साथ नम्रता, और ये देखेंगे बुधवार का ये वीडियो है। और कल का ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने यहीं पर एंड किया था और यहीं से मैंने स्टार्ट किया है। तो मैं अभी नहा धो करके आ गई हूं किचन। मेरे हस्बैंड तो घर चले गए हैं, तो यहाँ पर मैं एक ही बार सारा आटा लगा लूँगी और अभी के लिए नेनुआ और सोयाबीन की सब्ज़ी बना लूँगी। दाल भी बनाऊँगी क्योंकि दाल खाना मेरे लिए ज़रूरी है। और काम तो बहुत सारे हैं, देखती हूँ क्या कुछ कर पाती हूँ। और सुबह से ही बारिश का मौसम किया हुआ है कि अब बारिश होगी। और मैंने आज बहुत बड़ा काम सोचा है, सारा फॉल जितना भी अस्तर वगैरह लिया है सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मैंने यही सोचा था सारा चीज़ धो के एक बार सुखा लूँ, फिर प्रेस करके रख लूँ। फिर जब ऐसा मौसम देखा तो मैंने सोचा एक एक करके ही जो जो ब्लाउज मैं जब सिलूँगी उसी के अनुसार धोते जाऊंगी और सुखाते जाऊंगी। सोच ही रही हूँ कि जल्दी से मैं सब्ज़ी में छौंक लगा दूं और उसके बाद रोटी अभी के लिए बना लूं। दही है थोड़ा सा, मैं और मेरा बेटा है नाश्ता करने के लिए। तो हॉल में बेटी तो मेरी अभी सो रही है, बेटी का मसाज वगैरह कुछ नहीं हुआ है अभी, बस एक बार मॉर्निंग मसाज हुआ है क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 8:30-9 बज रहे हैं सुबह के, तो सब्ज़ी में छौंक लगा लूँगी और एक दो बर्तन जो भी होगा उसको धो लूँगी। और बेटा को मैंने हॉल में पढ़ने के लिए बैठाया है क्योंकि फ्राइडे को मेरे बेटा का हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो पहला दिन जीए है और ड्राइंग है, तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी में छौंक लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आटा मिला लिया है और ये इतना ही बस नेनुआ था, इसको काट लिया है और इसको सोयाबीन डाल के बनाऊँगी। तो ये सोयाबीन में पानी में भिगने डाल दिया है और थोड़ा सा दही मैंने कल इनको रात में जाने के समय दिया था और इतना सारा बचा हुआ है। दाल भी ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि अब मैं खाने में अभी तो फ़िलहाल कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ। और ये हरी मिर्च देखिए, ये जब लेते हैं तो ये डब्बा एकदम खुला छोड़ देते हैं, ढीला छोड़ देते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि ये अब गलने लगा है, नहीं तो ये बहुत दिन तक सुरक्षित रहता। अब इससे मुझे सारा चुन चुन कर निकालना होगा, फिर जो फ्रेश होगा उसको इसमें रखना होगा। तो हेल्प तो मिलता है हस्बैंड लोग से, लेकिन परेशानी बहुत होती है, चीज़ बहुत बर्बाद होता है। और ये देखिए, ये सब्ज़ी कुछ रात में ये लाए थे तो इसको भी धोना है। सब चीज़ की दुनिया में कमी हो सकती है, काम की कमी नहीं हो सकती है, तो काम ही काम है। और मैंने एक ही साथ इतना सारा आटा मिला लिया है। अभी जो भी मैं और बाबू जो भी खाओगे उसके बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि शाम में फिर यही बनाना है। आज मैं चावल बनाऊँगी ही नहीं, दाल रोटी सब्जी दही है, सलाद वगैरह काट लूँगी और फिर रात में कुछ अलग सब्ज़ी बना लूँगी और यही आटा का रोटी बना लूँगी। क्योंकि आज मैं दिन भर काम में लगूँगी, फॉल वगैरह धोना है, अस्तर वगैरह सुखाना है, क्योंकि आज वो है नहीं। तो थोड़ा सा काम कम है, थोड़ा सा मतलब टेंशन नहीं है, काम तो उतना है ही है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। इसके बाद कुछ पुरानी सब्जियाँ थी उसको मैं खाली करूँगी और जो ये अभी लाए हैं उसको धोऊँगी। बार बार बेटा पूछने आ रहा है, अपना पढ़ाई कर रहा है। और ये देखिए, ब्लाउज का फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठा है, जो कि मैंने कल इसको बनाया था। एक भी बार कहीं भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आया है, बहुत ही अच्छे से बैठा है, जबकि मैंने हर जगह भी सिंगल स्टिचिंग दिया हुआ है। तो अब मैं इसी के माप के अनुसार सारा ब्लाउज बनाऊंगी जब मेरा थोड़ा सा शरीर कम हो जाएगा, क्योंकि मैं योग वगैरह भी करती हूँ। अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो मैंने बहुत कुछ शेयर किया है, जब मैं पार्क जाती थी, जब मुझे बेबी होने वाला नहीं था तब का भी मैंने बहुत सारा वीडियो शेयर किया है। तो जब मैं अपने बॉडी को थोड़ा कम कर लूँगी तब एक एक इंच दोनों तरफ से, अगर एक एक इंच भी अगर मैं दबा देती हूँ ब्लाउज तो 4 इंच कम हो जाएंगे। और अगर मेरा बॉडी मेजरमेंट 4 इंच कम होता है, समझिए मैं बहुत ज़्यादा अपने शरीर को कम कर सकूँगी या कम कर लूँगी। लेकिन अभी मेरे लिए एक्सरसाइज वगैरह ठीक नहीं है करना। अनुलोम विलोम तो कोई भी कर सकता है, अनुलोम विलोम और कपाल भांति वगैरह ये सब तो हल्का फुल्का कर लेती हूँ, बाकी अभी कोई भी भारी योग या एक्सरसाइज अभी नहीं करूँगी। क्योंकि बस अभी मुझे बेबी डिलीवर होने से 2.5 महीने ही हुए हैं, तो मैंने सारा सब्जी धोकर नीचे रख दिया और जो बचा हुआ सब्जी था उसको इस टोकरी में रख लूँगी। और मेरा बेटा पढ़ रहा है, आपको मैं दिखाती हूँ। और ये देखिए पढ़ रहा है, मैंने इसको स्नान वगैरह नहीं कराया है, नाश्ता दे करके फिर स्नान कराऊँगी। यहाँ सोचे थे फॉल वगैरह अस्तर वगैरह धोकर आज डालेंगे, और ये देखिए जमाजम बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो कटिंग स्टिचिंग ज़रूर करेंगे क्योंकि आज वो है नहीं यहाँ पे, समय में बर्बाद जाने नहीं दूंगी। और ये देखिए सड़क पर किस तरह से पानी जाम हो गया है, ये देखिए इतनी बारिश हो रही है, मतलब धार बारिश सुबह से ही हो रही है।
उसके बाद फिर ये आपका लगभग 2-2.5 बजे का समय है। खाना पीना हम लोगों ने खा लिया था, बेटे को नहला के इसको भी सुला दिया था, बेटी का भी मसाज किया, नहलाया, उसको भी सुलाया। तो अब थोड़ा सिलाई का तो काम, मतलब फॉल वगैरह तो मैं धोकर डाल नहीं पाई, तो मैं कुछ जो एक दो धुला है उसको ही सोच रही हूँ, कुछ कटिंग वगैरह करूँ चार्ट पेपर पे। तो मेरा बेटा बोला कि नहीं, मुझे एक बार और रिवाइज करवा दो, अच्छे से समझा दो। मैंने सोचा चलो एक घंटा इसमें समय देती हूँ, जब इसको पढ़ाती हूँ तो मैं मोबाइल बिल्कुल ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि मोबाइल पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाइएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं बंद करके इसको पढ़ा दूँ। इसको एक घंटा पढ़ाने के बाद फिर मैंने इसको बॉर्न बिठा दिया, और उसके बाद मैं इसको पढ़ने कह रही थी। बार बार ये बाबू का ऐसे गला दूसरे टाइप का ये कर देता है, ये भी बच्चा है, इसको भी उतनी समझदारी नहीं है। तो इसको पढ़ाने के बाद मैंने इसको बाबू को मसाज किया, इसको बॉर्न बिठा दिया, और बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा जो सोफ़ा पर आप लोगों ने देखा था उसको मुझे फोल्ड भी करना था। मैंने सोचा कि धीरे धीरे सारा काम करूँगी, तो ये बात यहाँ पर मान नहीं रहा था, तो यहाँ पर मुझे इस पर आया गुस्सा, परेशान कर देता है। और बारिश अभी थोड़ी थमी है, कुछ भींगा कपड़ा है तो मैं उसको भी बालकनी में अभी डाल देती हूँ। तो बार बार मुझे इस पर गुस्सा आ रहा था, इरीटेट कर रहा था। लास्ट में क्या हुआ कि मैं इसको बॉर्नविटा बनाकर मैंने दिया, और ये बॉर्नविटा गिरा दिया, गिराया तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। एक तो सोचा हुआ आपका काम नहीं होता है, ऊपर से बारिश वगैरह होता है, पूरा किचकिच हो जाता है। बेटी भी मेरी एक एक दिन इतना सुर पकड़ लेती है कि बहुत रोने लगती है। और ये देखिए, आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, भुट्टा बेचने के लिए आया है। तो यहाँ पर कपड़ा लगा के मैंने सोचा कपड़ा फोल्ड कर दूँ, बेटा का पढ़ाया हो गया था, और इसको बॉर्नविटा दिया बना करके कि पी लूँ। इसी चक्कर में ये अधिक काम रहता है, थोड़ा सा बिल्कुल आदमी गुस्से में आ जाता है। और ये देखिए, ये गिरा दिया, इसमें मैंने इसको मार भी लगाई, और जब इसको मैंने मारा तो फिर बाद में मुझे इतना अफसोस हुआ डेयर कि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी मुझे रोना आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ। बस एक थप्पड़ इसको लगाया जो कि आपके सामने में है, और इसको इतनी तेज़ बुखार आ गया अचानक से। ये बॉर्नविटा पिया, टीवी ही देख रहा था, पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, और आज बुधवार है, शुक्रवार को इसका एग्ज़ाम था, बेटी को भी इधर ही सुलाया है। और अब मैंने सोचा कि चलो अभी तो मुझे नहीं, इसको अभी नहीं आ रहा था, ये टीवी देख रहा था। फिर मैं चली गई उस रूम में अपना बेड वगैरह ठीक करने के लिए। सोचा अब लगभग 3-3:30 हो ही गया है, 4 बजे के आसपास, मैंने सोचा अब बेडरूम का भी बेड ठीक कर ही लेती हूँ, हम दोनों माँ बेटे को ही सोना है, और हॉल का बेड ठीक ही है, और इस रूम का ठीक किया ही था। लेकिन कॉटन सारा बेडशीट मैंने धुल दिया था, एक नीचे भी गिर गया था, तो सारा कपड़ा पहले मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने का साड़ी भी इकट्ठी थी, साड़ी वगैरह सबको फोल्ड किया, और जिस कपड़े को जहाँ रखती हूँ बस एक बार जगह बना लिया है। तो इससे क्या होता है कि मेरा कपड़ा इर्द गिर्द कहीं नहीं रहता है सारा, बिल्कुल अगर मैं 2 दिन भी कपड़ा जमा कर लूँ, 2 दिन का एक दिन साफ करती हूँ, तीसरे दिन भी करूँ, तो एक साथ धोती हूँ, एक साथ सुखाती हूँ, और एक साथ फोल्ड कर लेती हूँ, तो मेरा कपड़ा बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होता है, इधर उधर नहीं पड़ा रहता है। और अब सब हर किसी को आदत हो गया, मेरे बेटे को भी पता है मेरा कपड़ा कहाँ रखा है, आदि हो गया, सब कोई को पता चल गया कि मेरा कपड़ा कहाँ है। तब मेरा कपड़ा ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता है, तब मैं सारे कपड़े को यहाँ रख लूँगी। और सारा कपड़ा रखने के बाद, रखा भी नहीं, मैंने सोचा पहले मैं ये पोछा कर लेती हूँ, बॉर्नविटा गिराया इसको पोछ लेती हूँ, नहीं तो फिर मक्खी वगैरह लगेगा, और अभी तो पोछा करना ही है। शाम होते जा रहा था, 5 बजे के पहले ही शाम का झाड़ू लगा देती हूँ, बस यहाँ पे पोछा किया, उसके बाद सारा कपड़ा मैं उठा के रखूँगी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब उस रूम का बेडशीट ठीक कर लेती हूँ, उधर जब गई तो सोचा थोड़ा कपड़ा है उसको भी साफ़ कर लेती हूँ, मतलब काम की तो कमी है ही नहीं, बस काम करते रहिए। आप अगर सोने लग जाइएगा तो लगेगा कोई काम नहीं है, और काम करने पर लगे तो लगेगा बहुत सारा काम है, काम से छुट्टी ही नहीं है। तो डियर, आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी सोचा हुआ काम नहीं होता है। मैंने सोचा था अभी कि ब्लाउज का कटिंग करूँगी, अभी आपने देखा है बॉर्नविटा पिया, मैंने मारा भी इसको, और अफसोस कर रही हूँ, अचानक से इतना बुखार आ गया। पेपा पिक देख रहा था, और पेपा पिक देखते देखते ही देखिए बुखार आ गया मेरा, मार तेरा मुँह, और इसको अभी मैं विक्स लगा रही हूँ। और एक बेटी मेरी गोद में सोई है, मेरी बिटिया रानी यहाँ गोद में सोई है,
और बेटा को देखिए मैं विक्स लगा रही हूँ, आज मन भी नहीं लग रहा है, ये घर में है भी नहीं और पूरा मेरा मैं अभी निकाल ही रही, अभी मैं ब्लाउज का कपड़ा निकाल ही रही थी, आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, मैं निकाल ही रही थी सारा कपड़ा, फोल्ड किया कपड़ा सोफा से हटाया और निकाल ही रही थी सारा कपड़ा कि बस इसकी तबीयत ख़राब हो गई, कोई भी सोचा काम नहीं होता, अब देखती हूँ आगे क्या कर पाती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आ गई, बेटा को उसी रूम में सुलाया था तो फिर बोला कि मुझे ठंडा लग रहा है, बिट्टू माँ नहीं बोलता है मुझे, वो बिट्टू बोलता है, तो मैंने सोचा चलो बेडरूम का पहले बेडशीट ठीक कर लेती हूँ और यहाँ पर ही सारा खिड़की वगैरह लगा के, क्योंकि अभी थोड़ा डेंगू वगैरह भी फैला है, तो मैंने सोचा यहीं पर बेडशीट लगा के खिड़की वगैरह बंद करके दोनों को यहीं दे देती हूँ। तो फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, पहले सोचा मैं नहीं करूँगी, लेकिन जब अचानक इसको इतना बुखार आ गया तो मुझे लगा कहीं ये दो दिन ना वहाँ रुक जाए, तो मैंने फ़ोन करके बता दिया कि थोड़ा सा बाबू का तबीयत ख़राब हो गया, तो बोले थोड़ा दोनों को अलग रखना क्योंकि अभी ये सब चीज़ फैला है। यहाँ पर मैंने बेड वेड ठीक करके बेटा को यहाँ पर सुला दिया और एक चादर उढ़ा दिया उसको, उसके बाद बस बेड शीट ही वो उस रूम से लेके आया, मैंने उसको वही सोचा कि इसको यहाँ पर लेटा के इसको उढ़ा देती हूँ, अभी तो वहीं सोया था तो मैंने सोचा पहले जल्दी से शाम का झाड़ू लगा देती हूँ, और पोछा करने ही वाली थी, कपड़ा धो ही रही थी, इसको यहाँ पर लेटाया और यहाँ पर ये रो रहा है, इसको पापा की क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हो गई और बेड पर ही इसको उल्टी हो गया, तुरंत बेड शीट मैंने बिछाया ही था और उसके बाद ये रोने भी लगा क्योंकि इसके पापा यहाँ पर नहीं थे, फिर मैंने इसको बहलाया फुतलाया, रोना नहीं है बेटा, बुखार बहुत तेज़ थी, मुझे भी डर लग रहा था, एक तो अकेला ऊपर से अगर बच्चा बीमार हो जाए, एक छोटा बच्चा, बहुत जीवन में परेशानी है डियर, इसीलिए फिर मैंने इसको कुल्ली वगैरह कराया, पैंट वगैरह चेंज किया, हालांकि लगा नहीं था, फिर मैंने दूसरा बेडशीट निकाला, फिर इसको बिछा कर मैंने इस पर इसको लेटा दिया। उसके बाद मेरे दिमाग में था कि मुझे पोछा करना है, फिर मम्मी को पूछा कि मम्मी थोड़ा सा लेट तो हो गया है, 5:30 के ऊपर हो गया है, शाम का टाइम पोछा कर सकते हैं नहीं, तो मम्मी बोली क्या कि शाम मैंने झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, मैंने कहा झाड़ू हो गया है क्योंकि बिल्कुल मेरा मन उबासा था और आज नहीं करती कल भी नहीं करती, तो बताइए घर का क्या स्थिति रहता, और चूंकि साफ़ करने का आदत लग गया है घर, तो मैंने भगवान का नाम लिया और 5:30 बजे ही आज पोछा कर दिया, ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था और थोड़ा कम लाइट वाला इस रूम में लाइट जला के इसको फिर मैंने लेटाया, लेकिन उल्टी होने के बाद इसकी तबीयत थोड़ी हल्की लग रही थी, उसके बाद यहाँ पर पोछा वगैरह करने का जो कपड़ा धोया है कुछ धोकर, अभी तो ये बेडशीट अभी मैं अब साफ़ नहीं करूँगी तो पूरा पहले पोछा करूँगी, और पोछा थोड़ा ढंग से करती हूँ, थोड़ा साफ़ बढ़िया से सामान हटा हटा के करने में समय तो लगता ही है, तो आप सोचिए कुछ हो जाता है, कुछ एक भी मिनट फुर्सत नहीं मिलता है डियर, और जैसे कि आप लोगों को पता है इस पर मैं बहुत कुछ शेयर करती हूँ, स्टिचिंग वगैरह जो भी है बहुत कुछ शेयर करती हूँ, अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं ज़्यादा कर पा रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा बच्चा छोटा है, तो काम तो बहुत सारा है, अभी डब्बा वगैरह भी बहुत सारा साफ़ करना है, लेकिन एक दिन में सारा भार लेना नहीं चाहती हूँ, और किचन तो बहुत सारा बर्तन अभी जमा है, दिन का मैंने धोया ही नहीं था, उसी चक्कर में फंस गई जब वो बीमार पड़ गया, तो अब तो मैं अभी कोई भी सब्जी वब्जी बनाने का बिल्कुल भी नहीं सोची हूँ क्योंकि अब सिर्फ मुझे खाना है, मेरा बेटा तो बहुत बीमार है, बेटी को इसी रूम में लेटाया है, अब मैं पूरा पोछा कर लूँगी, उसके बाद मैं किचन जाऊँगी, और ये बाबू का कपड़ा समेट कर रखा है, बार बार इस पर इसको लेटाती हूँ, चेंज करती हूँ, जितनी बार मैं तेल लगाती हूँ नीचे में, नया भी बेडशीट अगर मैं लगाऊँ नीचे फिर भी मैं इसका एक